हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज हम बात करेंगे कि एक 18 मंथ के बच्चे में आप किस तरीके का डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपके बच्चे 18 महीने के हैं या इसके आसपास हैं तो ये सारी चीज़ें आपको उनमें देखने को मिलेंगी। ये कोई गाइडलाइन नहीं है, जनरली बच्चों में ये देखा जाता है, इसी बेस पे ये बताया जाता है। बट हर बच्चे की अपनी एक जर्नी होती है और कुछ बच्चे इससे आगे और कुछ बच्चे इससे थोड़ा पीछे हो सकते हैं, जिस केस में आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे को थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ, अगर आपको कोई अलार्म्स दिख रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है जो बच्चे की जर्नी के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक 18 महीने के बच्चे में सबसे बड़ा चेंज होता है उसका वॉकिंग। बच्चे का जो वॉकिंग स्टाइल है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। बच्चे ने कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले ही हो सकता है चलना सीखा हो। कुछ बच्चे जल्दी चलते हैं, कुछ लेट चलते हैं। तो जो जल्दी चलना शुरू कर देते हैं वो इस टाइम तक भाग रहे होंगे। जिन्होंने अभी अभी चलना शुरू किया है वो अपना बैलेंस संभाल रहे होंगे। तो बच्चों में वॉकिंग का इस टाइम पे बहुत शौक होता है। आप नोटिस करोगे कि अब उन्हें बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो खड़े रहना प्रेफर करते हैं, वो चलना प्रेफर करते हैं और वो हर जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। दूसरी चीज़ जो आप बच्चों में देखोगे वो है स्क्वाटिंग। बच्चे बहुत ईजिली स्क्वाट पोजिशन में बैठ जाते हैं और उससे खड़े हो जाते हैं। इनफैक्ट इस स्टेज पर बच्चों को प्रॉपर बैठना पसंद नहीं आता। वो जब खेल भी रहे होते हैं या कोई चीज़ एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं तो वो स्क्वाट पोजिशन पर बैठना प्रेफर करते हैं, जिसकी पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। तीसरा चेंज है क्लाइंबिंग। बच्चों को छोटे छोटे क्लाइंब्स करना बहुत पसंद है। अगर आपके पार्क में सीढ़ियाँ हैं, प्लेग्राउंड में या आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, तो आप नोटिस करोगे कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है उस पे ऊपर चढ़ के खुद से जाना और नीचे आने की कोशिश करना। अगर आपके बच्चे कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा माइलस्टोन है। बट इस पर्टिकुलर चेंज के लिए आपको बहुत ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होती है, बिकॉज सीढ़ियों में बच्चों के बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मेक श्योर आप बच्चे के साथ हों और बच्चे के पास हों, ताकि अगर बच्चा गिरे तो आप फटाफट उसे पकड़ लें। चौथा चेंज होता है उनकी मेमोरी। उनकी मेमोरी धीरे धीरे और स्ट्रांग होती जा रही है और क्लियर होती जा रही है। बच्चे के सामने आप जो एक्शंस करेंगे, जो गाने गाएंगे, जो वर्ड्स बोलेंगे, हर चीज़ उनका ब्रेन इस टाइम पे रजिस्टर कर रहा होता है। इनफैक्ट अगर कोई चीज़ उन्होंने सुबह करी है और अब उनके सामने वो चीज़ अगले दिन लाएंगे या शाम के टाइम लाएंगे, तो वो सेम चीज़ कहाँ हुई, कैसे हुई, उस चीज़ को रिपीट कर पाएंगे, इतना स्ट्रांग उनका मेमोरी हो रहा है। साथ ही साथ उनका कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। वो अपने एक्शंस के थ्रू और काफ़ी बच्चे कुछ छोटे छोटे वर्ड्स के थ्रू अपनी बात समझा भी पा रहे हैं और आपकी बातों को समझ भी पा रहे हैं। काफ़ी बच्चे इस टाइम पे अपने हेड शेक करते हैं, नॉड करते हैं, यस नो कर लेते हैं, छोटे छोटे काफ़ी वर्ड्स बोल लेते हैं। और काफ़ी बच्चे इस टाइम में नहीं बोलते हुए भी किसी तरीके से अपनी नीड्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। आपके इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करना अब सीख रहे होते हैं। अगर बार बार आप उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन देंगे या उनको कोई चीज़ कैसे करना है वो बताएंगे तो वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे। इमिटेशन इस टाइम पे बच्चों को बहुत अच्छा आ रहा होता है। अगर आप उनके सामने कोई फेसेस बनाएंगे, कोई चीज़ करेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, कोई गेम उन्हें खेल के दिखाएंगे, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो उसको एक या दो बार के अंदर रिपीट करना भी शुरू कर दें। टीथिंग की बात करूँ तो इस टाइम पे बच्चों के 10 से 12 दांत आ जाते हैं। काफ़ी ऐसे फूड्स जो बच्चे पहले नहीं खा पाते अब वो आराम से खा सकते हैं। अब टाइम है उन्हें बहुत सारा फिंगर फूड देने का, जिससे कि वो च्यूइंग सीखें, चबा के खाना सीखें, जिससे उनका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। नींद की बात करूँ तो इस टाइम पे भी बच्चों को 12 से 14 घंटे की ओवरऑल नींद की ज़रूरत होती है। तो रात की एक लंबी नींद और दिन में एक या दो नैप्स हो सकता है आपके बच्चे ले रहे हों, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। ऑल्दो काफ़ी बच्चे अब वन नैप पे आ जाते हैं, बट कुछ बच्चे अगर दो नैप भी लेते हैं बिकॉज वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। प्ले टाइम की बात करूँ तो आप नोटिस करेंगे कि आपका बेबी अब काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट प्ले कर रहा है, बिकॉज अब फिजिकली वो इतना डेवलप हो चुके हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या बात हो रही है वो फॉलो कर सकते हैं। तो अब उनको चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। आप नोटिस करेंगे कि कई बार आप उन्हें खेलने के लिए बुलाएंगे भी तब भी वो अपने में ही लगे रहेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इनफैक्ट पेरेंट्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि उनको अकेले खेलने देने का। मुझे पता है जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो हमें उन पर इतना प्यार आ रहा होता है, हम कहते हैं नहीं यार हमारे साथ अभी खेलें, बट उनको अपना इंडिपेंडेंट प्ले करना पसंद आ रहा होता है। नॉट दैट उनको आपकी प्रेजेंस अच्छी नहीं लग रही,
बट उस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा बैक सीट लोगे और उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, उन्हें खेलने दोगे, तो दैट इज ऑल दैट दे वॉन्ट. इनफैक्ट ये जो एक ट्रेट है ये आगे जाके भी उनको बहुत हेल्प करेगा जब उन्हें स्कूल जाना है और स्कूल में भी इंडिपेंडेंटली चीजें करनी है. तो बच्चे को खुद से थोड़ा टाइम आप जरूर स्पेंड करने दें. साथ ही अब आपको देखने को मिलते हैं टैंट्रम्स. अब बच्चे काफी पक्के होना शुरू हो जाते हैं. अगर उन्हें कोई चीज चाहिए तो उन्हें कोई चीज चाहिए, उसके लिए वो चाहे रोएंगे चाहे एक तरीके से बिहेव करेंगे. कुछ बच्चे शाउट करते हैं, कुछ बच्चे इवन हिटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और पेरेंट्स को सही टाइम पे इस चीज को चेक करना चाहिए. क्राइंग इज स्टिल अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग बट नॉट हिटिंग एंड शाउटिंग. सो इस स्टेज पे आपको टैंट्रम्स दिखना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं और ये बढ़ता ही जाता है स्पेशली आफ्टर 2. तो टैंट्रम्स मैनेजमेंट इज समथिंग जिसपे पेरेंट्स को अब अपने आप को थोड़ा अपस्किल कर लेना चाहिए बिकॉज अब टाइम आने वाला है. ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन आपके वहां पे कौन सा सीजन चल रहा है, इट्स अ गुड टाइम जहां बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज अब आपके बच्चे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं. तो इस टाइम पे जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो वो जल्दी ही उस चीज को अडेप्ट भी कर लेते हैं. साथ ही बच्चे के सोशल स्किल्स में हो सकता है आपको डिफरेंस दिखे. जो बच्चा पहले बहुत सोशल होता था, बहुत हैप्पी होता था, अब हो सकता है वो सडनली थोड़ा सा क्लिंगी हो गया है, सडनली स्ट्रेंजर्स को देख के थोड़ा सा चुप हो जाता है जो पहले नहीं करता था, या फिर कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया है. सडनली वो बहुत ज्यादा सोशल हो गया है, उसे बहुत अच्छा लगता है लोगों के बीच में रहना और वो बहुत खुश हो जाता है. ये सब बिल्कुल नॉर्मल है गाइस. जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, उनके सोशल स्किल्स भी चेंज होते हैं और ये काफी आगे जाते तक चेंज होते ही रहते हैं. सोशल स्किल्स इज समथिंग जिसपे पेरेंट्स को और आगे जाके स्कूल्स को भी मिलके काम करना पड़ता है बिकॉज दैट इज समथिंग दैट कीप्स इवॉल्विंग. एक्टिविटीज की बात करूं तो इस टाइम पे बच्चों को स्क्रिबल करना पसंद आता है, तो आप उनके हाथ में क्रेयॉन्स देंगे तो दे विल लव टू स्क्रिबल. पेंट्स देंगे जो सेफ पेंट्स होते हैं बच्चों के लिए, तो उससे वो फिंगर पेंटिंग, थंब पेंटिंग, ये सब करने में उनको मजा आएगा. बच्चे आराम से बुक के पेजेस फ्लिप कर लेते हैं, उनको ये करना बहुत अच्छा लगता है. काफी बच्चों को खुद से खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, तो पेरेंट्स को कई बार लगता है कि मेरे बच्चे ने खाना छोड़ दिया है, बट ऑन द कॉन्ट्री जब आप उनके सामने खाना रखते हो आप नोटिस करते हो कि वो एक डिफरेंट टेक्स्चर का, डिफरेंट साइज का फूड आराम से खा रहे हैं और उसमें उनका ज्यादा इंटरेस्ट है. सो 18 मंथ एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है बच्चों की जर्नी में बिकॉज इस टाइम पे वो काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, बट साथ ही अभी उनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से नहीं हुई है, तो उनका हमें बहुत ध्यान भी रखना है बिकॉज इस टाइम पे चोट लगना भी बहुत ज्यादा कॉमन है. सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं. आगे मिलेंगे आपसे और माइलस्टोन वीडियोस के साथ. इनफैक्ट हमारे चैनल पे रेसिपी, बेबी केयर, प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जाके सर्च कर लीजिए. नहीं तो आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें. हमारी वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ momcomindia.info जहां आपको इंग्लिश आर्टिकल्स मिलेंगे फॉर ऑल दीज टॉपिक्स, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट टू. थैंक यू, बाय बाय.